भगवान तो कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तुम पत्ता भी मुझे दोगे तो भी मैं भाव से ग्रहण कर लूंगा। भगवान धीरे धीरे मनसुखा के पास गए। मनसुखा ने देखा कृष्ण आ रहा है, अब जरूर कुछ करेगा, इसलिए जल्दी सारी छाछ को पी गया। पूरी मटकी में छाछ खत्म हो गई, मुख में बस थोड़ी सी छाछ बची थी, दोनों गाल मोटे हुए थे। भगवान कृष्ण आए, आकर के मनसुखा के दोनों कपोलों पर जोर से मुष्टिक प्रहार किया, मुख से छाछ निकली, और जैसे छाछ निकली भगवान कृष्ण ने उस छाछ को स्वयं ग्रहण कर लिया। ब्रह्मा जी की खोपड़ी घूमी, ये कैसा भगवान है? क्या भगवान किसी के मुख से निकली छाछ को पी सकता है क्या? ये कैसा भगवान है? झूठा खाता है, झूठा खिलाता है, ये भगवान नहीं है, कोई बहरूपिया है। चलो परीक्षा ले ली जाए। सब वत्सों को, बछड़ों को लेकर के ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। ग्वाल बालों ने देखा लाला बछड़े कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ठाकुर जी बोले तुम यही रुको, हम ढूंढ के आते हैं। प्रभु गए, वापस आए तो देखा ग्वाला भी गायब। भगवान समझ गए, लेकिन तब भगवान ने एक दिव्य लीला का यहां ब्रजवासियों को दर्शन कराया। ब्रह्मा सृजन करता है, ब्रह्मा संसार को बनाते हैं, ब्रह्मा इस पंचभौतिक शरीर को बनाते हैं, लेकिन आज भगवान ने प्रथम बार आज पंचभौतिक शरीर में आत्मा नहीं डालनी पड़ी, आज स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही ब्रज के ग्वाला और ब्रज के बछड़े बन गए। अपना स्वरूप भगवान ने उनको दे दिया। भगवान बछड़े बन गए, ग्वाला बन गए, बछड़ों की लाठियां बन गए, उनके वस्त्र तक भी श्री ठाकुर जी स्वयं बन गए। एक वर्ष तक भगवान ऐसे गाय चराते, वापस घर प्रस्थान करते। एक वर्ष पूरे ब्रज में घर घर में कृष्ण था, घर घर में कृष्ण था, कहीं बछड़े के रूप में तो कहीं किसी का बेटा ग्वाला के रूप में। एक वर्ष बाद जब ब्रह्मा जी को देखा पृथ्वी पर घूम रहे थे, जब दिखाई दिया कि अब वही ग्वाला वही बछड़े हैं, तब ब्रह्मा जी को पता चला कि उन्होंने भगवान के ऊपर शंका करके बहुत बड़ा पाप किया है, प्रभु के ऊपर शंका की। ब्रह्मा जी आकर के प्रभु के चरणों में साष्टांग लेट गए, हे प्रभु क्षमा करिए। क्षमा कर हे प्रभु, हमें क्षमा करिए, गलती हो गई। भगवान क्षमा करते हैं और पूछते हैं ब्रह्मा जी आपको क्या चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा हे प्रभु, मुझे न ब्रह्मा का पद चाहिए, न स्वर्ग का पद चाहिए, न इंद्र का पद चाहिए, मुझे ब्रज धाम में भी कोई बड़ा पद नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बोले प्रभु मुझे ब्रज का कोई घास का एक तिनका बना दो, क्योंकि उस घास के तिनके पर जब गोपी चलेगी, कोई गाय चलेगी, तो उस गोपी के चरण के मसलन में जो आनंद है, वो आनंद प्रभु ब्रह्मा की गद्दी में भी नहीं। ब्रज का एक तिनका भी ब्रह्म पद से महान है। क्यों? क्योंकि ये वो ब्रज है जिस ब्रज के कण कण में श्री ठाकुर जी निवास करते हैं। आप पूरे ब्रज में कहीं चले जाइए, आज भी, ये सिर्फ 5000 वर्ष पहले की बात नहीं, आज भी पूरे ब्रज में अगर आप भाव से श्रद्धा से जाएं, तो घर घर में आपको कृष्ण माखन चुराता मिलेगा। लोग वृंदावन जाते हैं, कहते बड़ी गंदगी है, अरे चारों तरफ जहां देखो पंडा लोग करते रहते पैसा दो पैसा दो, चारों तरफ ये सब गंदगी फैल चुकी है। बात आपकी सही है, स्वच्छता की कमी है, लेकिन ब्रज में पवित्रता की कोई कमी नहीं। ब्रज का हर एक कण पवित्र है, ब्रज में हर एक वस्तु पवित्र है। क्यों? क्योंकि वहां संत महापुरुषों ने बैठ के भजन किया है, और उनके भजन का प्रताप आज भी ब्रज की वायु में व्याप्त है,
ब्रज की हवा में ही एक नशा है, ब्रज की हवा में ही प्रेम है। कोई नास्तिक आदमी भी अगर ब्रज के भीतर प्रवेश करेगा तो ब्रज के अंदर जाते ही अपने आप उसके मुख से राधे राधे निकलने लगेगा, क्योंकि ब्रज का कण कण राधा नाम गाता है। आप किसी शहर में जाएंगे तो वहां आपको बड़ी बड़ी पार्टियों के नाम सुनाई देंगे, लेकिन वृंदावन में जाओ, आप किसी भी प्रदेश में जाओ, वहां आपको सरकार का वोट फॉर फलानी सरकार, वोट फॉर फलानी सरकार, लेकिन ब्रज एक ऐसा धाम है जहां कोई सरकार नहीं, वहां सबसे बड़ी सरकार है कौन? हमारी राधा रानी सरकार। वहां चारों तरफ आपको राधे राधे श्रवण कानों में सुनाई देगा। हमारे गुरुजी कहते वृंदावन का शौचालय भी स्वर्ग से बढ़कर। क्यों? बोले तुम स्वर्ग में जाओगे तो तुम्हें वहां भोग बहुत मिलेगा, सुख मिलेगा, लेकिन भगवान नाम नहीं मिलेगा। और वृंदावन के किसी शौचालय में भी तुम बैठ जाओ तो वहां भी तुमको कहीं ना कहीं से राधे राधे हरे कृष्ण यही सुनाई कानों में श्रवण पड़े। लेकिन ये ध्यान रखना, ब्रज का वास चाहिए तो कौन ब्रज का वास देगा? ये ऐसी एक पुराण में वर्णन आता है, श्री नारद जी कहीं किसी स्थान से जा रहे हैं, नारद जी ने देखा एक बड़ा भारी हड्डियों का एक पर्वत बना है। नारद जी गए भगवान के पास, पूछा प्रभु ये सब कौन है? भगवान ने कहा ये सब वो ऋषि महापुरुष हैं जिन्होंने अनंत वर्षों तक तप किया, अपने शरीर को तप करके त्याग दिया। बोले प्रभु इनके तप का लक्ष्य क्या था? बोले इनके तप का लक्ष्य था ब्रज में जन्म। तो फिर प्रभु आप इनको ब्रज में जन्म दे क्यों नहीं देते? तो भगवान ने कहा नारद जी ब्रज में जन्म देना हमारा अधिकार नहीं है। तो किसका अधिकार है? बोले ब्रज में जन्म तब मिल सकता है जब किशोरी राधा रानी की कृपा, उनकी कृपा से ब्रज में जन्म मिलता है, कृष्ण कृपा से नहीं, श्री जी की कृपा से ब्रज का वास मिलता है। इसीलिए भक्त कहता प्यारा वृंदावन धाम ले ले श्री राधा नाम, प्यारा वृंदावन धाम ले ले श्री राधा नाम, जैसे तू आया था वैसे ही जाए, जाएगा तू ले ले राधा।
मुस्काएगा, काना कोई का हर पल मुस्काएगा, काना कोई का हर पल मुस्काएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। में डूबा वो पार हो जाएगा।
सब मर मर जाए। भोर भई यमुना तट पे जब मुरली मधुर बजाए, भोर भई जब यमुना तट पे मुरली मधुर बजाए, भोर भई यमुना तट पे जब मुरली मधुर बजाए, भोर भई यमुना के तट जब मुरली मधुर बजाए। वंशी की धुन सुनकर राधे राधे बोल का भी आप सब श्रवण करेंगे। बस कथा का जो शेष प्रसंग है वो निभा लें, उसके बाद आप सब उसका भी श्रवण पान करेंगे। भगवान की शेष लीलाओं की ओर अग्रसर होते हुए, क्योंकि आज का मुख्य प्रसंग श्री गिरिराज जी की कथा पवित्र कथा है, वो आप हम सब उसकी ओर अग्रसर होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी पर कृपा की है, इसके उपरांत यमुना जी के जल को शुद्ध करने के लिए भगवान ने कालिया नाग का उद्धार किया। कालिया नाग जो यमुना जी के जल को दूषित कर दिया, जिसके कारण ना कोई ब्रजवासी उस जल को पान कर सकता है ना स्नान कर सकता है, उस यमुना जी के जल को शुद्ध करने के लिए भगवान ने कालिया नाग को उस यमुना जल से बाहर भेजा, यमुना का जल शुद्ध हुआ। तदुपरांत ब्रज गोपांगनाएं भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मां कात्यानी देवी की पूजा करती थी और मां कात्यानी से एक ही वरदान मांगती थी कि भगवान कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हुए ऐसा आशीर्वाद दीजिए। यमुना जल में नग्न होकर के ब्रज गोपियां स्नान करती हैं, प्रभु उनके वस्त्रों का हरण यानी अविद्या का हरण करते हैं, गोपी पर कृपा करते हैं, ब्रज गोपियों पर वस्त्र हरण करके गोपी की अविद्या को चुराते हुए सुंदर कथा आई। उसके उपरांत भगवान कृष्ण 7 वर्ष के हुए, तब भगवान ने ब्रज में एक लीला देखी कि आज सारे ब्रजवासी मिलकर के किसी उत्सव की तैयारी में लगे हैं। उत्सव क्या है पूछने के लिए श्री ठाकुर जी अपनी मैया के पास गए, तो मैया ने कहा लाला हमारे पास समय नहीं है, तुम अपने बाबा से जाके पूछो किसकी तैयारी चल रही है, क्या उत्सव है।
तो श्री ठाकुर जी बाबा के पास जाते हैं। बाबा से पूछते हैं, नंद बाबा ने कहा बेटा हम हर वर्ष इंद्र की पूजा करते हैं, इस वर्ष भी उनकी पूजा की तैयारियां चल रही हैं। तब भगवान ने पूछा कि इंद्र की पूजा करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। बाबा ने कहा बेटा इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र देवता प्रसन्न होंगे, हमको अन्न देंगे, इसलिए वो हमारे जीवन दाता हैं, अन्न दाता हैं। किंतु भगवान वहां ब्रजवासियों के इस विश्वास को तोड़ते हैं और कहते हैं बाबा कर्म न जायते जंतु कर्म ने विलियते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म ने वाभिपद्यते। हर जीव को जन्म कर्म उसके कर्मों के द्वारा मिलता है, इसलिए बाबा आप मेरी बात मानो, अब की बार मेरी बात मान करके आप इंद्र की पूजा छोड़ के हम सबके जो इष्ट हैं ऐसे श्री गिरिराज महाराज की पूजा करो। ब्रजवासियों ने कृष्ण की बात पर विश्वास किया क्योंकि सब कृष्ण को अपना सर्वस्व मानते हैं, जो कृष्ण कहेगा वही होगा, इसलिए अब की बार ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा छोड़ करके गिरिराज जी की पूजा का प्रण लिया और अपने अपने व्यंजनों को अपनी अपनी बैलगाड़ियों में रख करके सब श्री गिरिराज महाराज की तलहटी में श्री गिरिराज पूजन के लिए पधारते हैं। भगवान कृष्ण श्री गिरिराज जी का पूजन करते हैं, एक रूप से श्री गिरिराज जी का पूजन कर रहे हैं, एक रूप से स्वयं पूज्य भी हैं, ऐसा श्री गिरिराज जी का सुंदर रूप है। आइए आप हम सब भी श्री गिरिराज महाराज का पूजन करते हुए सब भाव और श्रद्धा से मुख्य यजमान यहाँ पूजन करेंगे। आप सब अपने स्थान पर शांतिपूर्वक बैठ करके मानसिक रूप से श्री गिरिराज जी का पूजन करेंगे। सबसे प्रार्थना कोई भी उठेगा नहीं, कथा भी शेष है, तो सभी भाव से श्री गिरिराज जी का पूजन करते हैं। तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए, जय जय तू पूजा कर गोवर्धन की, तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए। मन में, जय हो, चलो मन में, जय जय, चलो मन में।
पटल अखुट भ्रकुटी बाकी लपे दूध की धार चढ़ाए और चढ़ाए इच्छा पूरन होवे मन की लपे दूध की धार चढ़ाए और चढ़ाए इच्छा पूरन होवे मन की स्नान करना है, ठंडी तो बहुत है पर करना तो पड़ेगा, इसलिए नाक बंद करो, नाक बंद करके जल्दी से एक डुबकी लगा लो ताकि ठंडी भी ना लगे और स्नान भी हो जाए। बोल राधा कुंड की, बोल श्याम कुंड की। अब राधा कुंड
सभी ब्रजवासियों ने शिगिरिराज जी का पूजन किया है। भगवान सब ब्रजवासियों ने इतना जोर से जय घोष किया कि आवाज सीधा इंद्र के कान में पहुंची। इंद्र को जब पता चला कि उसके साथ अब की बार उसकी पूजा छोड़ के गिरिराज जी की पूजा प्रारंभ कर दी है, तो इंद्र क्रोधित हुआ। मेघों से कहा, जाओ ब्रज में मूसलधार वर्षा करो। सावर तक मेघ पूरा ब्रज के ऊपर छा गए। पूरे ब्रज में मूसलधार वर्षा होने लगी, मेघ गरजने लगे, चारों तरफ जल ही जल, पूरा ब्रज जल में मग्न होने लगा। सब ब्रजवासी रोए चिल्लाए, रोते रोते शरणागति के भाव से श्री कृष्ण की शरण में गए। त्राही माम हे प्रभु, आप बताइए हम क्या करें। भगवान ने कहा, जिस गिरिराज की तुमने पूजा की वही गिरिराज तुम्हारी रक्षा करेंगे। कहते हुए 7 वर्ष के श्री बाल कृष्ण लाल ने 7 कोस लंबे श्री गिरिराज पर्वत को अपने वाम भाग की तर्जनी उंगली पर धारण कर लिया। बोले श्री गिरिराज धरण की। भगवान ने श्री गिरिराज जी को धारण किया है। अद्भुत आनंद ब्रजवासियों को हुआ। सारे ब्रजवासी श्री गिरिराज जी के नीचे आकर के खड़े हो गए। ब्रजवासियों ने देखा कन्हैया अकेला है, इसलिए सब छोटे छोटे ग्वाल वालों ने भी अपनी अपनी लाठी लगा ली। सुदामा, मधुमंगल, स्तोक कृष्ण आदि सबने अपनी अपनी लाठी लगा के श्री कृष्ण को सहायता की। 7 दिन तक अद्भुत आनंद पूरे ब्रज में है। आज तक पूरा ब्रज एक साथ कभी कृष्ण के साथ नहीं रहा, लेकिन आज 7 दिन तक मानो इंद्र का प्रकोप उनके लिए आशीर्वाद बन गया है कि 7 दिन तक पूरा ब्रज एक साथ कन्हैया के साथ, ना किसी को भूख है ना प्यास है, बस कृष्ण का दर्शन करके सब तृप्त होते जा रहे हैं। भगवान ने 7 दिन तक उस दिव्य गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर धारण करके रखा। ऐसे श्री गिरिराज महाराज भगवान श्री कृष्ण को हम सब भाव से श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। उस दिव्य आनंद को जब इंद्र को पता चला, आके उसने क्षमा याचना मांगी। सुरभि गैया के थनों से दुग्ध से अभिषेक किया गया और भगवान का एक नाम गोविंद यहां पर रखा गया। आप हम सबने दिव्य सुंदर इस गिरिराज लीला का दर्शन श्रवण पान किया। इस लीला को हम सब प्रणाम करते हुए जो श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया है, उस लीला को संक्षेप में आप हम सब ने श्रवण किया। आगे की जो प्रभु की लीलाएं हैं उनको हम आगे कथा सत्र में श्रवण पान करेंगे। आइए सभी भाव और श्रद्धा से कथा को विश्राम की ओर बढ़ाते हुए कुछ समय के लिए भगवान नाम लेते हुए हमारे यजमान परिवार की बहुत दिन से इच्छा है, इसलिए आज ही चलो गा देते हैं ठाकुर जी के उस भजन को। सब लोग नृत्य करेंगे लेकिन आगे नहीं आएंगे, आप जहां हैं वहीं खड़े होकर नृत्य करेंगे। भाव से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल।
शिव बोले राधे बोल जाप करते हुए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम
कृष्णलाल की श्री गौ माता की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताई गौर हरिबो राधे राधे ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा के राधे राधे राधे। आज की बड़ी ही पावन कथा हम सभी ने श्रवण की। ठाकुर जी की कई लीलाओं के दर्शन श्रवण किए। सबसे पहले तो आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, लख लख बधाइयां। साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कल षष्ठ दिवस की पावन कथा हम सभी श्रवण करेंगे और कल की कथा में एक बहुत ही दिव्य महामहोत्सव हम सभी मनाएंगे। माताओं से निवेदन है थोड़ी देर और शांत रहें। तो कल कथा के प्रसंग के माध्यम से हम भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी के उस मंगल उत्सव के दर्शन करेंगे, विवाह उत्सव के दर्शन करेंगे। आप सभी भक्तों से निवेदन है आपको ऐसे आना है कि बाकी ऐसा लगे कि आज हीली धाम में ठाकुर जी की बारात आने वाली है, या सभी कोई घराती बन के तो कोई बराती बन के सभी सज धज कर कल के इस महामहोत्सव में सम्मिलित होंगे। और कल के पावन दिवस में जो भी भक्तजन माता रुक्मणी के हथलेवा के छुड़ाने के रूप में या पैर पखारने के रूप में जो भी गौ माता के चरणों में समर्पित करना चाहें, तो कल का दिन बड़ा ही पावन दिवस है। जबकि हम ठाकुर जी के विवाह उत्सव के दर्शन करते हुए गौ सेवा का पुण्यफल अर्जित करेंगे। अभी कथा के साथ साथ जिन दानदाताओं ने आस्था भजन चैनल के माध्यम से जुड़ते हुए कुछ पावन सी घोषणाएं गौ सेवा धाम तक पहुंचाई हैं, आइए उनके कुछ पावन नाम हम श्रवण करें। सामान्य शिव कन्या कमल कुमार कमल किशोर जी, जो कि जालना से हैं और आप श्री 5,100 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं, जोरदार तालियों से अभिवादन करें। सम्मानी गोविंद भाई जी पटेल साहब जो कि जलगांव से हैं 5,000 रुपये, और प्रेम प्रकाश सिंह साहब जो कि फतेहाबाद बिहार से 5,100 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। कथा के बाद भी आपके मन में यदि कोई सत्प्रेरणा जागृत होती है तो आपके पास जो आपके अपने गौ सेवा धाम के मोबाइल नंबर हैं उन पर संपर्क करते हुए आप गौ माता के चरणों तक वो पावन प्रकल्प पावन संकल्प पावन सेवा समर्पित कर सकते हैं। कल कथा के प्रारंभ में ही उन सभी पावन घोषणाओं को लेकर आस्था भजन चैनल के माध्यम से हम संपूर्ण विश्व तक पहुंचाएंगे। आइए पंचम दिवस की विश्राम आरती के लिए कथा के मुख्य यजमान सम्मानी सावित्री देवी गोपाल जी मोर साहब से निवेदन है कि मंच पर पधारेंगे, आरती में सम्मिलित होंगे। सम्मानी नीलम जी राजेश मोर साहब, श्रीमती सुमिता नारायण मोर साहब, आदरणीय श्रीमती नीतू जी बिहारी लाल जी अग्रवाल साहब, श्रीमती रेखा राजकमल जी अग्रवाल और संगीता जी से निवेदन कि अति शीघ्रता के साथ मंच पर आएंगे और आरती में सम्मिलित होंगे। आप सभी भक्तों से मैं निवेदन करूंगा, भीड़ की अधिकता है, माताओं बहनों से विशेष निवेदन, अपने मोबाइल अपने कीमती आभूषण या बच्चों का पर्स का विशेष ध्यान रखेंगे और थोड़ा सा व्यवस्था बनाते हुए प्रवेश के और निकास के जो द्वार है उस जगह आप थोड़ी सी सावधानी और शांतिपूर्वकता से बाहर निकलेंगे। कल समय का सभी ध्यान रखेंगे, समय पर पधारकर कथा पंडाल में विराजें। कल की कथा बड़ी ही पावन कथा है, कोई भी कल का दिन मिस ना करे। कल सभी आप स्वयं तो पधारे ही, अपने परिवारजन अपने प्रियजन को भी कल की कथा में साथ लावें ताकि उस अद्भुत हर्षोल्लास के साथ हम कल की कथा का दर्शन श्रवण करते हुए ठाकुर जी के उस विवाह उत्सव के दर्शन कर सके। आइए हम सभी पंचम दिवस की विश्राम आरती की ओर चलेंगे। सभी से निवेदन अपने मन में अपने हृदय में
बांके बिहारी जी को स्थापित करें, गिरिराज जी का ध्यान करें और ताली सेवा करते हुए आरती का आनंद लेंगे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारे के साथ बोलिए, गिरिराज जी महाराज की जय। श्री कृष्णा जय गौ माता। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थकं रक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। ओम यदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मा शनि प्रजां शनि पशु शनि लोके शन्य भय शनि अग्निः प्रजां बहुलं मे करोत् वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता। आरती कुंज विहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती पके बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती पके बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में भजंती माला, गले में भजंती माला। बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। गिरिधर कृष्ण मुरारी के। गगन सम अंग कांति काली, गगन सम अंग कांति काली। राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली। लतन पे ठाड़े बनमाले, लतन पे ठाड़े है बनमाले। अमर सी अलग कस्तूरी चंद्र सो झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती बाके बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से, कनक में मोर मुकुट बिल से। देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन से सुमन बहुत बरसे, गगन से सुमन बहुत बरसे। बजे मुह चंग मधुर मृदंग, मालिनी संग अतुल रत गोप कुमारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती पूज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, जहाँ से प्रकट भई गंगा। सकल दुख हारिनी श्री गंगा, सकल दुख हारिनी श्री गंगा। स्मरण से होत मोह भंग, स्मरण से होत मोह भंग। बसी शिव से जटा के चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्जल तट रेणु रेणु, चमकती उज्जवल तट रेणु रेणु। बाज रही वृंदावन वेणु, रही गोप ग्वाल धेनु, रही गोप ग्वाल धेनु। नाच रहे गोप ग्वाल धेनु, नाच रहे गोप ग्वाल धेनु। हसत मुद मत चांदनी चंद, कटत
संत भव फंद बिनति सुन दीन भिखारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी 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 की ओम करदो निराजनम पुष्पादिवंद्रम आरोग्यार्थे आत्मादिवंद्रम मंत्र पुष्पांजलिः ओम देवः शान्तिरन्तरजपं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः पञ्चपदयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधिः हरिः जन्मदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः स जन्मचित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ राजाधिराजाय प्रतिह्यदाहिने नमो वयं वैश्रविणाय कुर्महे समे कामान् कामे कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रविणो दधातु कुवीराय वैश्रविणाय महाराजाय नमः ॐ सति साम्राज्यं भोज्यं साराज्यं वैराज्यं पारमेत्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं शमन्तपर्याये सर्वभौमः सर्वायिकयान्दादात् परार्थात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्दायाते कराडितिः इदप्येष श्लोकोऽभिगीतौ मरुतः परिवेष्टाराम् मरुतश्च वसङ्गृहे अवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवांशभासदैति ॐ विश्वतश्चक्षुरुता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुता विश्वत पादाम् सम्बाहुव्यन्धमधिसम्पतित्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः हरिः ॐ गिरिराजाय विद्महे गोवर्धनाय धीमहि।